बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मुंबई पुलिस कर रही है इस मामले पर लगातार जांच। पिछले महीने 14 जून को सुशांत ने मुंबई के घर पर ऐसा फैसला लिया खुद की जिंदगी को खत्म करने का, जिसके बाद से ही उनके फैंस और पूरा परिवार आज भी सदमे में है। बता दें कि अब सोशल मीडिया पर ये बात होना शुरू हो गई है कि उनके जाने की वजह आखिर क्या है। बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर ये सुशांत का खुद का फैसला था। बता दें कि इस मामले पर लगातार मुंबई पुलिस अपने हर एंगल से इस केस की छानबीन कर रही है। मुंबई पुलिस ने अब सुशांत की बिल्डिंग का CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है, उसकी रिकॉर्डिंग को चेक कर रही है। मुंबई पुलिस ने उस बिल्डिंग के CCTV रिकॉर्डिंग को कब्जे में ले लिया है जहां सुशांत सिंह राजपूत रह रहे थे। उनके घर पर कोई CCTV नहीं लगा था। अभी फोरेंसिक रिपोर्ट का आना बाकी है। सुशांत सिंह मामले में फिल्म निर्देशक संजिला भंसाली से मुंबई पुलिस कर चुकी है 3 घंटे तक पूछताछ। 30 से 35 सवालों के पूछे गए सवाल। अब इस मामले पर जल्द ही शेखर कपूर का भी होगा बयान दर्ज, जिन्होंने सुशांत के बारे में सबसे पहले ट्वीट किया था। इसके अलावा एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक से भी पूछताछ के लिए उन्हें मुंबई पुलिस जल्द ही से बुलाया जाएगा। बता दें कि इस CCTV फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट आने के साथ साथ पुलिस भी इस रिकॉर्डिंग के जरिए छानबीन की कोशिश कर रही है कि आखिर 13 जून से पहले जब तक की रिकॉर्डिंग इस CCTV फुटेज में थी, उस रिकॉर्डिंग में कौन सुशांत के घर गया, कौन सुशांत के घर आया, किसने सुशांत से बात की, सुशांत का मूड कैसा था, सुशांत कितने बजे अपने घर से बाहर निकला था, ये सारी रिकॉर्डिंग पुलिस अब चेक कर रही है अपने आप। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट।